हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी हमारा जर्नल चल रहा था यूनिट नंबर थर्ड में। हम एग्जांपल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और किस तरीके से इसको हम जर्नलाइज करेंगे वो हम सीख रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री जो है वो हमने सीखा। आज हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पल बनाओगे, आप पूरा ही एग्जाम्पल बनाना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ वीडियो से समझना। चलो, तो फिर कहता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। कहता है सो कंपाउंड एंट्री ऑफ द फॉलोइंग 31 जनवरी 2018 का आपका एक एंट्री पास करने के लिए कहता है, ठीक है। 2018 31 जनवरी, ये आप यहाँ पर डेट के कॉलम में लिखना। इसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या है, वेजेस है और सैलरी है। कितना है, 2000 का वेजेस है और सैलरी जो है वो 5000 का है। बात बार बार वही कह रहे हैं कि एक बार चीज़ों को ठीक से समझ जाओगे उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये है बिज़नेस का ऑनर, ये है बिज़नेस। याद रखिएगा, जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंट्री कंसेप्ट या बिजनेस एंट्री कंसेप्ट, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब बिजनेस क्या दे रहा है, तो सैलरी दे रहा है। बिजनेस क्या दे रहा है, वेजेस दे रहा है। ऑनर को डिलीट करते हैं, इसके हिसाब से तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं। बिजनेस दे रहा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, कब दे रहा है, 31 जनवरी को। वेजेस या हम सैलरी की बात करते हैं तो क्यों देता है बिजनेस, एम्प्लॉई काम करेंगे तभी तो सैलरी देगा ना। तो जो मंथली बेसिस पे मिलता है जनरली उसको हम सैलरी कहते हैं, और सैलरी मिलता है वो जो अपने दिमाग से काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं वो मेंटल अपने मेंटल एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग से वो काम करते हैं, उनका शारीरिक श्रम जो है वो नहीं होता है। तो जनरली जो शारीरिक श्रम करने वाले नहीं होते, जो दिमाग से बैठ करके काम करते हैं और जिनको मंथली बेसिस पे पैसा मिलता है हर मंथ, उसको बोलते हैं सैलरी, ठीक है। अब बिजनेस दे रहा है सैलरी, अच्छा सैलरी जो बिजनेस अगर वो नहीं देगा तो क्या एम्प्लॉय काम करेंगे, नहीं करेंगे, बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। तो उनको सैलरी देना है, यानी बिजनेस को मेंटेन करना है ना। हर मंथ बिजनेस को वो जैसे सैलरी है वो देना ही है बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। तो सैलरी कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, यानी वो देना है, यानी रेकरिंग बेसिस पर वो एक्सपेंडिचर, वो खर्च जो रेकरिंग बेसिस में मतलब हर बार आपको करना ही पड़े बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हैं। सिंपल अभी समझिए, ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्च है, और दे कौन रहा है, बिजनेस। दूसरी तरफ जो वेजेस है, जनरली हम अगर वेजेस की बात करते हैं तो जो शारीरिक श्रम करते हैं, दिमाग से काम नहीं करते हैं, अगर आप लेबर आपके घर पे आता है तो आप बोलते हो कि जो ईंट है वो नीचे से छत पे चढ़ाना है ना, तो वो चढ़ा देता है। तो क्या उसमें कोई दिमाग वाली बात है, ईंटा को उठाना है, छत पे चढ़ाना है, बालू ढोना है ना। आपका अगर कोई सामान, कोई भी चीज़ अगर आप लेबर से काम कराते हो तो वो शारीरिक श्रम करता है, दिमाग से काम नहीं करता है, मतलब दिमाग से ही उठा के रखता है। लेकिन कहने का मतलब है कि वो शारीरिक श्रम करना है, यहाँ से उठाना है वहाँ रखना है, यहाँ से उठाना है वहाँ रखना है ना, ये सारा काम करता है। तो इसको जो रेमुनरेशन दिया जाता है उसको बोलते हैं वेजेस। कौन दे रहा है, बिजनेस। अब बिजनेस जो है काम करवा रहा है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहा है, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, जो कि देना ही पड़ता है आपका रिकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये या तो डेली बेसिस पे मिलता है या वीकली बेसिस पे मिलता है जनरली, लेकिन सैलरी जो है वो मंथली मिलता है, ये डेली और वीकली मिलता है, दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो कितना कितना एक्सपेंस है देख लेते हैं हम एक बार। सैलरी है आपका 5000 और वेजेस है 2000। सैलरी है 5000 और वेजेस है 2000। ये डिफरेंस पूछिएगा क्यों, काम के आधार पे है ना, जिसका जैसा काम उसका उसी सैलरी या वेजेस। अच्छा, एंट्री कैसे पास करेंगे, अगर एक्सपेंस है तो दोनों
नॉमिनल अकाउंट है, दोनों क्या है नॉमिनल अकाउंट है। अब दोनों एक ही डेट को दिया गया है 31 जनवरी को, अलग अलग डेट को भी नहीं दिया गया है। अगर अलग अलग डेट को दिया रहता कि मान लीजिए 30 तारीख को सैलरी दिया गया है और 31 तारीख को वेजेस दिया है, तो हमको रिकॉर्ड करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, याद रखिएगा। तो हम पहले 30 तारीख का रिकॉर्ड करते हैं फिर 31 तारीख का, तब तो अलग अलग एंट्री पास करना पड़ता है। लेकिन बोलता है कि 31 तारीख को दोनों दिया गया था, दोनों तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या है सैलरी अकाउंट डेबिट, ये भी एक्सपेंस, इसलिए डेबिट के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से, और वेजेस भी तो एक्सपेंस है तो ये भी तो डेबिट होगा, तो दोनों को हम कर दिए डेबिट। डेबिट सैलरी को कर दिए कितने से, 5,000 से, और वेजेस को कर दिए 2,000 से। टोटल बिजनेस का एक्सपेंस कितना है 7,000 रुपया। अच्छा, बिजनेस में जो सैलरी पे किए होंगे या वेजेस पे किए होंगे, तो क्या पे किए होंगे, कैश पेमेंट किए होंगे, तो बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश चला गया कितना 7,000 रुपया। क्यों 7,000 लिखे, सैलरी कैश में है 5,000 रुपया, देख के पता चल रहा है सैलरी कैश में है 5,000 और वेजेस का है 2,000, टोटल बिजनेस से कितना पैसा गया 7,000 रुपया। तो ये आपका कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री, यहाँ पर इसको हम कहते हैं, ठीक है। नरेशन में लिख दीजिएगा बिंग सैलरी एंड वेजेस पेड, खत्म बात, क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रेंट भी होता, तो मान लो कि बिजनेस अपना रेंट भी दे रहा है, तो रेंट भी तो एक्सपेंस है, मान लेते हैं अगर बिजनेस रेंट भी दे रहा है कितना 1,000 रुपये, तो ये भी रेंट भी क्या है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है 1,000 रुपये। अगर 31 जनवरी को दिया गया होगा तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट करते हैं यहाँ पे हम कितना से 1,000 से, और कैश कितना चला जाता है बिजनेस से 8,000 रुपया, ये एंट्री बनाते हैं हम। सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर कैश अकाउंट 8,000 रुपीज़, ये 1,000 रुपये यहाँ भी लिखते हैं, ऐसा भी करते हैं हम, ठीक है। चलो, तो जितना भी एक्सपेंस है उसको हम एक साथ डेबिट कर सकते हैं, सेम डेट को रहा तो, अलग अलग डेट को रहा तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है तो फिर अलग अलग करना पड़ेगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। देखिए क्या कहता है, ऑन 1 जनवरी 2018 एस के जैन कमेंस्ड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 60,000, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया गया है 60,000 से, एंड हिज ट्रांजेक्शंस फॉर द मंथ आर गिवेन बिलो। और बिजनेस जो स्टार्ट किया है 1 जनवरी को, और पूरे जनवरी का जो ट्रांजेक्शन है वो आपको नीचे दिया गया है। चलो, तो 1 जनवरी से दिया गया है आपका पूरा ट्रांजेक्शन, इसको हम वन बाय वन करके रिकॉर्ड करते हैं। देखिए सबसे पहला कब किया गया है, 1 जनवरी 2018, तो डेट की कॉलम में आप लिख दोगे 2018 1 जनवरी, क्या एंट्री पास हुआ है। सबसे पहले कमेंस्ड किया गया है बिजनेस, है ना, बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कितने से, तो 60,000 रुपया से, क्या एंट्री बनाएंगे। बिजनेस में कैश आया, ये बिजनेस, बिजनेस का ओनर कौन, एस के जैन, एस के जी लिख देते हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आया कितने का कैश आया, कैश जो है 60,000 रुपीज़ का कैश आया बिजनेस में 60,000 रुपया। बिजनेस में आया डेबिट वाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए, देने वाला कौन, एस के जैन, ठीक है, तो ये दिया है, गिवर है। अच्छा, लेकिन क्या नाम लिखते हैं जो ऑनर का अकाउंट होता है ये उसको बिजनेस में, तो कैपिटल, तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, यही है गिवर लेकिन इसको पर्सनल अकाउंट में हम रखते हैं, तो क्रेडिट द गिवर कैपिटल अकाउंट को कितना से हम क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। आप इसको लिख सकते थे एस के जैन कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख सकते थे,
लेकिन जान रहे हैं कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप का जो है वो यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन का एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑनर के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कैपिटल भी लिखते हैं, तो इससे हमको पता चल रहा है कि एस के जैन ही तो एक सिंगल ऑनर ही तो है बिजनेस का, इसलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। नरसन लिख देना बींग स्टार्टेड या कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। अब क्या हुआ, अब हुआ 1 जनवरी को फिर से एक एंट्री हुआ, 1 जनवरी क्या है आपका परचेस गुड्स फॉर कैश। अब हम फटाफट बनाएंगे परचेस गुड्स फॉर कैश का क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टॉक बढ़ा परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश गया तो टू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कैश कितना से खरीदा, 5,000 रुपये से, तो 5,000 से ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब आप कहोगे सर दोनों को कंपाउंड एंट्री कर देते हैं, कंपोजिट एंट्री कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं चीज़ें अलग अलग हैं, कैसे कर सकते हो आप यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे क्या है परचेज है, और यहाँ पे कैश है, तो कंपाउंड एंट्री आप कैसे करोगे, दोनों को अलग अलग ही करना पड़ेगा। कंपाउंड कब, जब रियल अकाउंट एक साथ हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट हो एक साथ, वेजेस है, सैलरी है, रेंट है ना, कोई एसेट है आपका, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कैश, बैंक, ये सब कुछ आपका अगर रहेगा तो आप एक एक साथ उसको कंपाउंड एंट्री कर सकते हो। तो चीज़ें अलग अलग है, इसलिए हमको अलग अलग यहाँ पे लिखना पड़ा, यहाँ पर लिख देंगे बींग परचेस गुड्स फॉर कैश अलग अलग, ठीक है, दोनों का यहाँ पे कोई मेल नहीं है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे, है ना। इसके बाद 2 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है, 2 जनवरी, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 1,000, ठीक है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, बिजनेस ने क्या किया है, फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर क्या है एसेट है, बिजनेस में आया डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि फर्नीचर एसेट है और एसेट का नाम लिखा हुआ है, गुड्स करते परचेस करते तो परचेस लिखते हैं, गुड्स तो है नहीं, हाँ पर फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या गया बिजनेस से, बिजनेस से कैश चला गया, फर्नीचर आया कैश गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो रहा है, अमाउंट जो है वो है आपका 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा गया है, लिख लीजिएगा आप लोग नरेशन बींग परचेस फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, 2 जनवरी। अब वो देखते हैं आगे क्या हो रहा है, अच्छा 2 तारीख को ही और क्या हो रहा है यहाँ पर, परचेस टाइपराइटर फॉर कैश, ठीक है, फर्नीचर के साथ आपने टाइपराइटर भी परचेस किया है 2,000 रुपये का, एक तो आपका एसेट एक आ रहा है फर्नीचर, एक आ रहा है टाइपराइटर, हमको कर देना है यहाँ पे कंपाउंड एंट्री, दोनों बिजनेस के लिए एसेट है, तो दोनों बिजनेस में आया है, एक बार हम कैश हटा रहे हैं यहाँ से, बिजनेस में दोनों आया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप क्या टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, कितने का है अमाउंट, अमाउंट है 2,000 रुपीज़, 2,000 से, दोनों बिजनेस में आया है किस रूल से, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वार्ड कम्स इन 2 ही जनवरी को आया, तो कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टू बिजनेस से क्या गया कैश, कितना, दोनों कैश में खरीदा गया तो बिजनेस से 3,000 रुपये कैश चला गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, तो हम 3,000 से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इसको हटा रहे हैं, 3,000 से क्रेडिट कर देंगे, 3,000 बिजनेस से चला गया, ठीक है, ओके अच्छा, इसमें टाइपराइटर जो है जैसे कि आपका टाइपराइटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, फाइलिंग कैबिनेट हो गया, आयरन सेफ हो गया,
ये सब कुछ अगर जो बिजनेस में परचेस किया जाता है तो इसको हम ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे टाइपराइटर लिखे हैं। अगर आप मान लीजिए कि खरीद रहे हैं कंप्यूटर खरीद रहे हैं, टाइपराइटर खरीद रहे हैं, फाइलिंग कैबिनेट खरीद रहे हैं, आयरन सेफ खरीद रहे हैं, तो ये सब चीज़ हम एक साथ उसको एंट्री कर देंगे ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। फिलहाल अभी आप इसको टाइपराइटर रहने देते हैं। तो लिख लीजिएगा बिंग परचेस फर्नीचर फर्नीचर एंड टाइपराइटर फॉर कैश, बस। इसके बाद है 5 तारीख का, लिखा क्या है 5 तारीख को, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है कैश बेच दिए हैं, है ना। लिखता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये है बिजनेस, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश सेल्स, अलग अलग तरीके से। तो कैश सेल्स का मतलब ये नहीं होगा कि हम पैसा बेच दिए हैं, जो कैश है वो बिजनेस का वो बेच दिए हैं। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने सामान जो है वो कैश में बेचा है। तो बताइए आपने सामान बेचा है तो गुड्स गया बेचा है, तो हम इस गुड्स की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, सेल्स का। जब बेचते हैं तो हम गुड्स की जगह सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, और सामान जो है गुड्स जो है वो जा रहा है, स्टॉक खाली हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, गुड्स की जगह पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, कैश में बेचा है तो बताइए सामान तो गया लेकिन बिजनेस में कैश आया है, क्या आया है, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे रियल अकाउंट के रूप से। तो बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है आपका 5,000 रुपीज। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। लिख दीजिएगा बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश या बिंग कैश सेल्स। आगे 6 तारीख का क्या है, 6 जनवरी, सोल्ड गुड्स टू मनोहर, मनोहर को जो है यहाँ पे सामान बेचा गया है, ठीक है। कहीं भी लिखा है कैश में सामान बेचा है, सिर्फ मनोहर का जो है वो नाम लिख करके छोड़ दिया गया है। तो जब नाम लिख करके छोड़ दिया गया है तो इसका मतलब है कि उधार में आपने सामान बेचा है, तभी मनोहर के नाम की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई यहाँ पर मनोहर के नाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या एंट्री बनाएंगे देखते हैं हम। बिजनेस है मनोहर लाल को सामान बेचा गया है, ये है मनोहर लाल या मनोहर जो भी है, सामान इसको बेचा गया है। तो बिजनेस स्टॉक चला गया, हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उधार में बेचें कैश में बेचें, कैश में बेचें उधार में बेचें, एक ही बात है। सेल्स तो आपका हर हालत में क्रेडिट होगा क्योंकि बिजनेस का स्टॉक तो कम हो रहा है ना, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे। अमाउंट है आपका 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपये का सामान उधार में बेचे हैं, तो स्टॉक खत्म हुआ, 8,000 का 8,000 से क्रेडिट, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। अगर मनोहर लाल एट ए टाइम हैंड टू हैंड क्या करता, कैश देता बिजनेस को, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, नाम लिखा रहता और फिर भी यहाँ पे लिखता कि जो है कैश जो है मनोहर लाल एट ए टाइम दे दिया है, तो 8,000 से हम इसको डेबिट करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखता। लेकिन यहाँ पर जो है मनोहर जो है वो क्या कर रहा है, कैश तो दे नहीं रहा है, कैश तो दे नहीं है, तो कैश अकाउंट को डेबिट तो करेंगे नहीं। अच्छा बताइए कि नियर फ्यूचर में बिजनेस को तो ये पैसा देगा ही, है ना, हमने सामान बेचा है, रिसीव कौन किया है, रिसीवर कौन है, ये पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आ जाइए, आपका पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वो कौन है, तो रिसीवर है, इसीलिए हम मनोहर को यहां पे डेबिट कर देंगे, मनोहर को यहां पे डेबिट कर देंगे 8,000 रुपीज से। क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, मनोहर रिसीवर है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, है ना।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, कौन है मनोहर? तो ये रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, और यहाँ पर सामान चला गया तो क्रेडिट वाट गोज आउट, 8,000 को क्रेडिट कर दिए, ऐसे बनेगा। अच्छा एक और हो सकता है आपका कि बिजनेस का अगर हम बात करें एसेट की बात करते हैं, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। देखिए ना, अगर हम बात करें सेल्स की बात हो रही है तो स्टॉक की बात हो रही है, स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है तो क्रेडिट लिख कर देंगे 8,000 से, कर दिए स्टॉक क्रेडिट, लेकिन नाम क्या लिखेंगे? सेल्स। अच्छा एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, नियर फ्यूचर में मनोहर तो पैसा देगा ही बिजनेस को, इसलिए ये कौन है? बिजनेस का डेटर है, और डेटर होता है एसेट, और एसेट बढ़ गया ना बिजनेस का, कितने का डेटर है? 8,000 का डेटर है, तो बिजनेस का एसेट बढ़ा इसलिए मनोहर को हम डेबिट कर दिए 8,000 रुपये से। ये कौन है मनोहर? डेटर। अगर मॉडर्न अप्रोच से देखें तो, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से देखिएगा तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, ये बनता है आपका। पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर, रियर अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट, ये बनता है। नरसन जी का बींग गुड सोल्ड ऑन, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मनोहर, है ना, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 6 तारीख का ट्रांजेक्शन कर लिया है, इसके बाद का जो आपका ट्रांजेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।